दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ एक बार यस कर दीजिए, अगर आवाज़ क्लियर है तो। आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को, तो हम शुरुआत करें, बातचीत करनी स्टार्ट करें। ये आज के लाइव में क्या बातचीत मैं आपसे करना चाहता हूँ, और हैप्पी हेल्थ इंडिया को लेकर, और हैप्पी हेल्थ इंडिया कैसे आगे ग्रो कर रही है, और कैसे हम सब लोग मिलजुल कर आगे बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, और चीज़ें कैसे आगे जा सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों से अभी मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं पिछले लगभग एनिवर्सरी के बाद मैनेजमेंट के साथ था। काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर वर्किंग चल रही है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें और बहुत बड़ी होने वाली हैं। आप सब लोगों को पता है कि हम लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं आप सबके लिए, और बहुत बड़ा होने वाला है। और बहुत सारे लोगों से डिस्कस नहीं हो पा रही थी, तो मिल नहीं पा रहे थे। बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हुए हैं हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि अभी पूरे इंडिया के अंदर, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, कहीं किसी भी स्टेट की मैं बातचीत करूं, तो बहुत सारी पब्लिक जो है वो बिज़नेस के अंदर नहीं आ चुकी हुई है। और जितनी भी नई पब्लिक आई है, शायद उन्हें अभी HHI के बारे में मालूम नहीं है। HHI क्या है, क्या नहीं है, HHI कैसे काम कर रही है, कैसे काम नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते। तो बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, करने दीजिए, हम बात करेंगे फेसबुक पे लाइव आकर। और आज बातचीत करने का रात को सौभाग्य, मैंने बोला मन में, कहा कि चलो यार कल बातचीत करते हैं हैप्पी हेल्थ इंडिया को लेकर। देखो, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में मैं लगभग पिछले 20 साल से हूँ, आज से नहीं हूँ, 20 साल हो चुके हुए हैं मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करते हुए। लगभग 20 साल से ज़्यादा का समय मुझे हो गया है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करते हुए, और बहुत सारे अनुभव लिए हैं मैंने, खट्टे मीठे अनुभव। कभी बिजनेस डाउन जाना, फिर अप जाना, फिर डाउन जाना, फिर अप जाना, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हमेशा वही आदमी आगे बढ़ेगा जो झुककर चलेगा, जो आगे सीखने की लालसा जिसके अंदर होगी, वो आदमी हमेशा आगे बढ़ता है। और मैं पिछले लगभग 20 साल हो चुके हुए हैं, और 20 साल में से 7.5 साल से ज़्यादा समय मुझे हो गया है हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ। अभी मैं 2-3 दिन से कुछ वीडियोस मार्केट के अंदर लोग अफवाहें फैला रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं हैप्पी हेल्थ इंडिया को लेकर, बहुत सारी बातें हैं। तो आज मैं लोगों से, कल रात को भी मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा, तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ। और बातचीत करते हैं वो एथिकल बिजनेस की, एथिकल सिस्टम की, एथिकल चीज़ों की, और बातचीत करते हैं वो लीडरशिप की। जो कल सबसे मेरा आप लोगों से सवाल है, लीडरशिप होती क्या है। मेरे यारों, मैं पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, और 7.5 साल पहले जब मैंने हैप्पी हेल्थ इंडिया को स्टार्ट किया, और जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करी, तो डायरेक्ट सेलिंग जब मैंने स्टार्ट करी थी, तो मेरे यारों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक ही बात समझाई जाती थी कि दुकान बदलनी है और पैसा कमाना है। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया था, तो मेरे को एक ही बात समझाई गई थी कि पवन जी केवल दुकान बदलनी है और पैसे कमाने हैं, दुकान बदलकर पैसे कमाए जा सकते हैं। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया था कि आने वाला वक्त ऐसा होगा, लोग नहाएंगे और पैसे आएंगे, लोग खाएंगे और पैसे आएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का जो मेन मकसद है, वो मकसद है कस्टमर टू मैन्युफैक्चर, जाने की हमें किसी भी सामान की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिशनल मार्केट पिछले 100 साल से, 150 साल से, 200 साल से मार्केट में काम कर रही है। ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या आता है, हम और आप कस्टमर होते हैं, हमें किसी सामान की जरूरत पड़ती है, तो हम रिटेल की दुकान पे जाते हैं। रिटेल वाला होलसेलर से लेकर आता है, होलसेलर वाला C&F से लेकर आता है, C&F वाला मैन्युफैक्चर से लेकर आता है, मैन्युफैक्चर उसकी एडवर्टाइजमेंट कराता है, एडवर्टाइजमेंट होती है टीवी चैनल पर, और टीवी देखता है कस्टमर। और 50 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनता है, तो वो कस्टमर तक आते आते 100-110 रुपये का हो जाता है, जाने की 60-70% पैसे जो हैं वो कस्टमर के, आम इंसान के जो पैसे हैं, चंद लोगों की जेब में चले जाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का जो जन्म हुआ है, वो ये हुआ है कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाएगा और सीधा कस्टमर तक पहुंचाएगा, और बीच का जो 60-70% पैसा है, वो सीधा डायरेक्टली कस्टमर को दे दिया जाएगा। और केवल दुकान बदलनी है, चंद प्रोडक्ट खरीदने हैं, और प्रोडक्ट खरीद कर आपने मार्केट में जाना है। मेरे यारों, मैं पिछले कई सालों से डायरेक्ट सेलिंग में हूं, और जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, और जब बात की जाती, आज भी जब ये इंडस्ट्री 1996 से इंडिया के अंदर काम कर रही है, 1996 से लेकर आज सन 2022 हो गया है, जानी कि लगभग 26 साल पुरानी इंडस्ट्री हो गई।
26 साल बाद भी ये इंडस्ट्री आज उस मुकाम पर नहीं आई है जहां पर हम पॉइंटों में भी लोगों को ये बात समझा पाए। ये इंडस्ट्री सिर्फ 16-17 हजार करोड़ के बिजनेस पे सिमट कर रह गई है। 17-18 हजार करोड़ का बिजनेस है सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर। और हम सब लोग बातचीत करते हैं बहुत बड़ी बड़ी कि मार्केट बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारी प्रोफाइल इतनी बड़ी है, हमारा सिस्टम इतना बड़ा है, हमारी चीजें इतनी बड़ी है, हमारी कहानी इतनी बड़ी है। तो मेरे यारों, मैं सबसे ही पूछना चाहता हूं, 20 साल में इंडस्ट्री पॉइंटों में भी नहीं जा पाई लोगों से, और हिंदुस्तान की जो मार्केट है वो 90 लाख करोड़ से भी ज्यादा की बड़ी मार्केट है। हिंदुस्तान के अंदर सिंगल सिंगल प्रोडक्ट जो अगर आप उठाकर देखोगे ना, तो सिंगल सिंगल प्रोडक्ट मैगी जैसा प्रोडक्ट जो है 13-14-15 हजार करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहा है। आज सिंगल सिंगल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 20-20 हजार करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक सिंगल प्रोडक्ट हावी है। यानी कि हमें सिंगल प्रोडक्ट का भी मुकाबला ट्रेडिशनल मार्केट का नहीं कर पा रहे हैं आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और हम लोग बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी मेरे यारों, और हमने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, बहुत बड़ा बड़ा सिस्टम किया, चीजें करी, पर लेकिन पिछले काफी समय से काम कर रहे थे पर लेकिन वो चीजें नहीं मिल पा रही। तो जो एक कस्टमर को चाहिए, आपको भी पता है कस्टमर को क्या चाहिए। जब हम फील्ड में जाते हैं, जब गांव देहात के अंदर जाते हैं, जब हम गांव देहात में जाकर बात करते हैं, तो लोग कौन से प्रोडक्टों की बात करते हैं, कितने पॉइंटों से हम लोगों को जीत पाते हैं। लास्ट में आके हम सिर्फ मोटिवेशन का बाजार रह जाता है इंडस्ट्री, सिर्फ मोटिवेशन का बाजार, सिर्फ मोटिवेशन के दम पर इंडस्ट्री में हम काम करना चाहते हैं। चंद कंपनियां ही हैं जो अच्छे प्रोडक्ट बेच रही हैं, चंद कंपनियां ही हैं नीडफुल प्रोडक्ट बेच रही हैं। हजारों कंपनियां आई, हजारों कंपनियां चली गई, बहुत सारी कंपनियों ने बिजनेस लोगों को बोला, हमने बहुत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पर लेकिन नहीं हो पाया। और ये इंडस्ट्री 16-17-18 हजार करोड़ पर ही सिमट कर रह गई। पर लेकिन यारो मेरे, मैं भी पिछले 20 साल से हूं, मैंने बहुत बार बिजनेस बड़ा किया है। शायद कुछ लोग मेरे को जानते हैं, कुछ लोग मेरे को नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं कि यार मैं कोई आज से इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं हूं, 20 साल हो चुके हुए हैं, खट्टे मिट्टे अनुभव सारे ले चुका हूँ, कैसे कंपनियां बड़ी होती हैं, कैसे सिस्टम बड़ा होता है, चीजें बड़ी होती हैं, ये सारी चीजों के ऊपर ज्ञान है, मालूम है, करते हैं यार, बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी आंखों के सामने हुई हैं। पर लेकिन मेरे यारों, असली बात आती है कस्टमर। आज मैं पिछले काफी समय से काम कर रहा था, पर लेकिन एक्चुअल में जो हिंदुस्तान की मार्केट है ना, वो बात पंजाब की करूं या बिहार की करूं या झारखंड की करूं या छत्तीसगढ़ की करूं या एमपी की करूं, किसी भी स्टेट की बातचीत मैं कर लूं, तो मेरे यारों 70% पब्लिक आज भी पूरे हिंदुस्तान में 5-15 हजार रुपये महीने की जिंदगी जी रही है। 5-15 हजार रुपये महीने की जिंदगी जी रही है। जब आज से लगभग 7.5 साल पहले जब मेरे को हैप्पी हेल्थ इंडिया को चुनने का मौका मिला, हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर काम करने का मौका मिला, तो मेरे यारों मैंने हैप्पी हेल्थ इंडिया को जब काम किया ना, तो दो ही चीजों की वजह से काम किया, पहला होता है नीति और दूसरा होता है नियत। हैप्पी हेल्थ इंडिया, कल मैं बातचीत कर रहा था, लोग कह रहे थे लीडरशिप की बातचीत, तो मैं आज आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं लीडरशिप के बारे में यार, कि लीडरशिप बोलते किसको है यार, आप लोग किसको लीडरशिप बोलते हैं। लीडरशिप होती है नीति और नियत पे, नीति और नियत पर लीडरशिप होती है। जब आज से 7.5 साल पहले जब मुझे हैप्पी हेल्थ इंडिया के बारे में बताया गया, और जब मुझे कंपनी के ऑनरेबल सीईओ सरदार संतोख सिंह जी, जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, जो ऑनर हैं इस कंपनी के, जब उन्होंने मेरे को बताया कि यार पवन जी, आज तक इंडस्ट्री ये बहुत बड़े लेवल पर काम नहीं कर पाई, और बहुत बड़े लेवल पर काम हो सकता है अगर एक्चुअल में लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट लोगों को दिए जाए, फिर से ध्यान रखना, लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट लोगों को दिए जाएं, तो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा काम हो सकता है। हर कंपनी अच्छा काम कर रही है, हर कंपनी अच्छा काम करेगी। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो सीएम नहीं हैं, बहुत सारी कंपनियों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उन लोगों ने बहुत शानदार किया है। पर लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो उन्होंने शानदार काम किया है, तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कंपनी शानदार काम नहीं कर सकती। मेरे यारों, आज से लगभग 7.5 साल पहले हैप्पी हेल्थ इंडिया की शुरुआत हुई। जब मुझे हैप्पी हेल्थ इंडिया को करने का जो रीजन था, वो ये रीजन था, जब मेरे को कंपनी के ऑनरेबल सीईओ सरदार संतोख सिंह जी ने एक बात बोली कि पवन, 2020 तक हम वो सारे प्रोडक्टों पर काम करेंगे जो हिंदुस्तान की आम से आम लोगों के घर की जरूरत है, और 2022 में हमारे पास बहुत शानदार रेंज होगी, और 2025 तक तो हिंदुस्तान के अंदर जो आम आदमी के घर में आम प्रोडक्ट लगता होगा, वो हिंदुस्तान के आम आदमी को आम प्रोडक्ट जो होगा वो हैप्पी हेल्थ इंडिया के माध्यम से दिया जाएगा।
अब जब हमारी 4-5 महीने बातचीत चली और हमारी फाइनलाइज हुआ, तो 1 अगस्त 2015 को जब मैंने डिसीजन लिया मुझे हैप्पी हेल्थ इंडिया करनी है, तो मेरे यारों रात को मैं सुन रहा था कुछ लोग लीडरशिप की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं मेरे यारों, हैप्पी हेल्थ इंडिया मैंने 0 से स्टार्ट करी थी। जब हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था मेरे यारों, एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर, एक भी स्टोर नहीं था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, लीडरशिप किसको बोलते हैं मेरे यारों। मैंने किसी प्रोफाइल का सहारा लेकर बिजनेस को बड़ा नहीं किया। मैंने जो इतनी बड़ी टीम बनाई है आप सब लोगों के माध्यम से, आप सब लोगों के प्यार की वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से बनती है मेरे यारों। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला काम करता है नीति और नियत, जो कि हमारी कंपनी के ऑनरेबल सीईओ सर की हिंदुस्तान जानता है नीति और नियत के बारे में। और दूसरा काम बड़ा आता है, सिर्फ एक ही चीज काम बड़ा करती है, जिसका नाम है लीडरशिप। और लीडरशिप में एक ही चीज होता है, वो होता है हौसला। मेरे यारों डायरेक्ट सेलिंग एक ही चीज से बड़ी होती है, जिसका नाम है हौसला। और आज से 7.5 साल पहले मेरे माइंड में एक ही चीज थी कि पवन अरोड़ा हैप्पी हेल्थ इंडिया एक ऐसा ब्रांड बनेगा, एक ऐसा सिस्टम बनेगा, एक ऐसी चीजें बनेंगी जो हिंदुस्तान के अंदर एक नई क्रांति का रूप होगा। हिंदुस्तान के आम नेटवर्कर के लिए, हिंदुस्तान के आम डायरेक्ट सेलर के लिए, हिंदुस्तान के आम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, हजारों लाखों लोगों के सपने पूरे करने वाला वो सिस्टम होगा। अगर पवन अरोड़ा तूने हौसला रख कर इस बिजनेस को कर लिया, अगर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर तूने इसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी, इस बिजनेस के बारे में लोगों को बता दिया, तो ये बिजनेस आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़े लेवल पर जाएगा। मेरे यार आज से लगभग 7.5 साल पहले 0 लेवल से बिजनेस स्टार्ट किया। 1700 स्क्वेयर फुट का रेंटल ऑफिस था, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं तो उनको समझ में आना चाहिए कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं उनकी लीडरशिप क्या कहती है। मेरे यारों आज से 7.5 साल पहले जब मेरा बिजनेस के अंदर मैंने देखा, 1 अगस्त 2015 को मेरी आईडी लगी, जब हमने काम करना स्टार्ट किया, तो मेरे यारों पूरे हिंदुस्तान में एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, एक भी शॉपी नहीं थी, केवल और केवल 38 प्रोडक्ट थे, 38 प्रोडक्ट थे कंपनी के पास वेलनेस के, पर लेकिन एक ही चीज थी, वो थी कंपनी की नियत और नीति। और आज जो 7 साल में माहौल बनाया है मेरे यारों, मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग बातें कर रहे हैं ना उनसे पूछना, ये हिंदुस्तान में ना इतना रास्ता गूगल मैप को मालूम नहीं होगा जितना रास्ता पवन अरोड़ा को मालूम है। आज हैप्पी हेल्थ इंडिया अगर इस मुकाम पर आई है ना, इस मुकाम पर काम कर रही है, आज हिंदुस्तान के लोगों के सपने पूरे कर रही है, जहां हिंदुस्तान के लोगों के दिलों की धड़कन बन गई है, तो आज हैप्पी हेल्थ इंडिया की लीडरशिप, एंटायर लीडरशिप जितनी हमारे साथ है ना, 7 साल के अंदर आई है। तो मेरे यारों आज 7 साल से जो हमारे पास लीडरशिप आई है ना, उसने दिन रात एक किया है, उसने लोगों के साथ जाकर बातचीत करी है। आज ब्रांड जो होता है ना, ब्रांड किसी के दम पर नहीं बनाया जा सकता, ब्रांड सिर्फ अपने दम पर बनाया जा सकता है। और आज हैप्पी हेल्थ इंडिया ब्रांड है पवन अरोड़ा। हेलो, मैं फिर आपको बता रहा हूं, हैप्पी हेल्थ इंडिया में एक एक दिन, एक एक पल, 28 दिन घर से बाहर, 24 में से 22 घंटे वर्किंग करी है अपने लोगों के लिए, तब जाके हैप्पी हेल्थ इंडिया ब्रांड बनना शुरू हुआ है। और अभी तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, 7 साल हैं, अगले 3 साल के अंदर अंदर इतिहास बदल देंगे। सिर्फ एक वो नीली छतरी वाला नाराज ना हो, नीली छतरी वाला सिर्फ नाराज ना हो, बाकी तो मैं आपको बता दूं, हैप्पी हेल्थ इंडिया की लीडरशिप में इतना कदम है। जब हैप्पी हेल्थ इंडिया सिर्फ 1700 स्क्वेयर फुट का ऑफिस था, 38 प्रोडक्ट थे, दिखाने के लिए कुछ नहीं था, तब पवन अरोड़ा ने ज्वाइन किया था। मेरे यारो कहानी ये नहीं होती कि आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर चले गए और हीरो बन गए। कहानी वो होती है जब किसी कंपनी को 0 लेवल से शुरू किया जाए और उसको हीरो लेवल पर पहुंचाया जाए। मेरे यारो मैं आपसे फिर एक ही बात कहता हूं, सन 2025 नीली छतरी वाले का आशीर्वाद सिर्फ मेरे पे रहे, बाकी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा टर्नओवर कर दूंगा हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर, इतने बड़े लोगों के सपने पूरे होंगे। हैप्पी हेल्थ इंडिया में 2025 में लोग बोलेंगे अपने मुंह से, यार ये वो कंपनी है जो 0 से शुरू हुई थी, जिसकी लीडरशिप के दम पर, जिसके सिर्फ हौसलों के दम पर ये कंपनी हिंदुस्तान के अंदर आज एक ब्रांड बन गई। जो लोग नहीं जानते ना, वो लोग सुन लो मेरी बात, थोड़ा सा ज्ञान अपना बढ़ा लो। जो लोग बोलते हैं ना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अपना ज्ञान बढ़ा लो,
ज्ञान के ऊपर अपने वृद्धि कर लो। हैप्पी हेल्थ इंडिया आज से 7.5 साल पहले सिर्फ 1700 स्क्वेयर फुट से शुरू हुई थी। और लीडरशिप आप किसको बोलते हो? आज 7.5 साल पहले जो लोग मेरे साथ आए थे आज तक हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर छोड़कर नहीं है, चाहे वो मांगू शर्मा जी हैं, चाहे वो सुखजीत सिंह उप्पल जी हैं, जितनी भी हमारे एंटायर लीडरशिप है, वो एक भी आदमी आज छोड़कर नहीं गया, क्योंकि पवन अरोड़ा ने लोगों के दिलों में जाकर काम किया है, लोगों का इस्तेमाल नहीं किया, लोगों के साथ जाकर काम किया है, दिन रात जाकर मेहनत करी है, दिन रात जाकर बिजनेस किया है, तब जाके ये बिजनेस खड़ा हुआ है। आप कल क्या बोल रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर लेकिन आज पंजाब के अंदर माहौल बनता जा रहा है, और मैं आप सभी पंजाब के बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं आप सब लोगों से एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि यार बोलने दो, हमारा काम है काम करना, और सच को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। सच को आप परेशान कर सकते हो पर लेकिन पराजित नहीं कर सकते। और आज हैप्पी हेल्थ इंडिया हिंदुस्तान के लोगों की दिलों की धड़कन है। ये वही लोग हैं जो 7 साल पहले कहते थे छोटा सा बच्चा है, ये वही लोग हैं जो बोलते थे आज 7 साल पहले छोटा सा बच्चा है, ये वही लोग हैं, इनकी कभी जिंदगी में वैल्यू समझ में नहीं आती, मेरे को तो समझ में नहीं आता। एक तरफ से लोग बोलते हैं हैप्पी हेल्थ इंडिया छोटी सी कंपनी है, दूसरी तरफ से बोलते हैं यार 700 प्रोडक्टों की रेंज, इतनी बड़ी रेंज कैसे ले आई? अरे मेरे यारो टिक तो जाओ, कभी हैप्पी हेल्थ इंडिया के बारे में आप कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, अरे भैया थोड़ा सा अपना ज्ञान तो बढ़ा कर लो। हैप्पी हेल्थ इंडिया क्या है इसके बारे में जान तो लो। हैप्पी हेल्थ इंडिया जो हिंदुस्तान के आम लोगों की आम कंपनी है, आइए तो समझ के चलो। 7 साल के अंदर अंदर भगवान हमें चेक कर रहा था, भगवान हमें ठोक बजाकर देख रहा था। जैसे हम मीटिंगों में बोलते हैं ना 50 रुपए का घड़ा लेते हैं तो हम ठोक बजाकर देखते हैं कि घड़ा टूटेगा तो नहीं, आज हैप्पी हेल्थ इंडिया में हमें भगवान चेक कर रहा था। GST आई हमने झेल ली, नोटबंदी आई हमने झेल ली, दुनिया जहान के इन्वेस्टमेंट प्लान आए हमने झेल लिए, दुनिया जहान की कंपनियों के ऊपर गाज गिरी हमने झेल ली, पर धीरे 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 जिंदगी में 7 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, और 7 साल का अब ये बच्चा बड़ा हो गया है। क्योंकि बच्चा जब 1 साल का होता है तो गोद में होता है, सिर्फ घर वालों को पता होता है बच्चा अंदर है। अब जब बच्चा 6-7 साल का हो जाए ना तो वो बाहर निकलना शुरू करता है, साइकिल चलाना शुरू करता है, लोगों को दिखना शुरू होता है, मोहल्ले वालों को दिखना शुरू होता है कि किनका बेटा है। तो मेरे यारों आज हैप्पी हेल्थ इंडिया को 7 साल हो चुके हैं, अब ये मार्केट के अंदर जाना शुरू हो गई है, क्योंकि आज जो बातें हमने करी थी, आज जो बातें हमने करी थी मेरे यारों, वो पूरी होती चली जा रही हैं, क्योंकि आज हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर 700 प्रोडक्टों की रेंज है, 700 प्रोडक्ट्स, 700 प्रोडक्ट। ने लीडरशिप किसको बोलते हैं? पिछले 8 महीने से इस इंडस्ट्री पूरी डाउनफॉल में थी, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, पूरी इंडस्ट्री डाउनफॉल के अंदर चल रही थी। जैसे ही गवर्नमेंट का कानून आया तो पता नहीं क्या चीजें आएंगी क्या नहीं आएंगी, नहीं पूरी इंडस्ट्री डाउनफॉल में थी, पर लेकिन पिछले 3 महीने में लीडरशिप बोलते किसको है? दोबारा हैप्पी हेल्थ इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान में जा जाकर माहौल बना दिया, और 6 अगस्त को हमने अपनी 7वीं एनिवर्सरी तालकटोरा स्टेडियम में करी, 5,000 से ज्यादा लोगों के बीच में एनिवर्सरी करी, और हिंदुस्तान के अंदर दोबारा जाके हमने दोबारा बाउंस बैक किया और बड़े लेवल पे बिजनेस को खड़ा कर दिया मेरे यारों। और आज ये सारी की सारी कहानी डिपेंड करती है सिर्फ लीडरशिप पे। पंजाब में तो अभी बिजनेस ही बहुत छोटा सा है यार, अभी आप लोगों को पता ही नहीं है, परसों देखना आप साउथ के अंदर हमारी एनिवर्सरी है, साउथ के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी है, फोटो शेयर होंगी आपको, देखना साउथ के अंदर कितना बड़ा बिजनेस हो चुका हुआ है, देखना अगले महीने में हमारा भुवनेश्वर के अंदर कितना बड़ा प्रोग्राम है, रेल ऑडिटोरियम के अंदर लगभग 2500 लोगों का प्रोग्राम है, आप देखना शाइन सिटी कलकत्ता के अंदर कितना बड़ा प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, जानी कि अगले महीने में हम इतना बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर 3 और 4 5 तारीख को हम लोग गोवा के अंदर लगभग 1,000 से ज्यादा लोग अचीवर हमारे इकट्ठे हो रहे हैं गोवा टूर के अंदर। मेरे यारो आज बाउंस बैक किया है, सिस्टम किया है, लीडरशिप की कहानी है। लीडरों को हमने यूज नहीं किया आपकी की तरह, ये जब तक तो लीडर आपके साथ हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो क्या है, कल तो मैं एक बंदे की बातचीत सुन के हैरान हूं, ठोक दो बजा दो ये कर दो उसको भी ठोक दो उसको भी ठोक दो, अरे यार हद होगी तुम्हारी लीडरशिप की यार। अरे जब आदमी तुम्हारे साथ होता है तो तुम वो कहते हो कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारा प्यारा है, ये हमारा दुलारा है, ये हमारी जान है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहन है, ये वो है। जैसे ही वो तुमसे दूर जाता है तो तुम कहते हो ये गद्दार है। अरे कुछ तो ध्यान दो अपनी लीडरशिप के ऊपर, और हमें आप सिखाते हो लीडरशिप। अरे मेरे यारो आज जिस कंपनी को जीरो से खड़ा किया हो, जिस कंपनी के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया हो, भाई साहब क्या क्या जीरो से क्या लीडरशिप में दम नहीं होगा? बिना लीडरशिप के दम से खड़ी हो जाएगी।
आज लीडरशिप में दम होगा तभी तो बिजनेस खड़ा हो पाएगा, कि विदाउट लीडरशिप के बिजनेस खड़ा हो जाएगा। आप बार 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 बोल रहे हो, और मैं बोलता नहीं हूं, पर लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा लो। हैप्पी हेल्थ इंडिया जीरो लेवल से पवन अरोड़ा ने स्टार्ट करी थी, जीरो लेवल से। एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, एक भी शॉपी नहीं थी। आज पूरे हिंदुस्तान में जहां पर लोग बोलते थे ना हैप्पी हेल्थ इंडिया का नाम नहीं है, वहां पर लोगों के रात को सपने में आता है पवन अरोड़ा आज की डेट में, क्योंकि पवन अरोड़ा ने पिछले 7 साल में 10 लाख से ज्यादा किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर दी होगी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, कच्छ से लेके काजीरंगा, रोड पे नाप दिया होगा, रोड पे। और रही बात जितनी भी लीडरशिप हमारे साथ आई है, जो काम की लीडरशिप है, जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने बिजनेस करना है, जिन्होंने सिस्टम करना है, मैं एक ही चीज बोलता हूं, सच को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी तो हैप्पी हेल्थ इंडिया के एक बार प्रोडक्ट देख लो, हिंदुस्तान के आम आदमी के प्रोडक्ट हैं, आम आदमी के। और मैं आपसे बता रहा हूं 31 दिसंबर 2022 तक हैप्पी हेल्थ इंडिया हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्ट की रेंज के मामले में, प्रोडक्ट की पैकिंग के मामले में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के मामले में, सिस्टम के मामले में, लॉजिस्टिक के मामले के अंदर नंबर वन होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग लगे हुए हैं, अगले 4 महीने के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा लॉजिस्टिक सिस्टम बना देंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जब आप प्रोडक्टों की पैकिंग देखेंगे, और कुछ चीजें तो आपको गोवा के अंदर देखने को मिलेंगी कि यार इंटरनेशनल कंपनी की पैकिंग को भी फेल करते हुए प्रोडक्ट आ रहे हैं। लगभग 400 प्रोडक्टों की पैकिंग चेंज हो रही है, जहां पर और अल्टीमेट पैकिंग हम लोग कर रहे हैं, और अल्टीमेट सिस्टम बना रहे हैं, और अल्टीमेट सीजी चीजें लेकर आ रहे हैं। लॉजिस्टिक के अंदर हम लोग लगे हुए हैं, बहुत जल्दी आप 2023 के अंदर आपको खुशखबरियां मिलेंगी ऑनलाइन सिस्टम की, चीजों की मिलेंगी, बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। और ये सारी चीजें विदाउट लीडरशिप नहीं होती है मेरे यारों। आज कोई भी कंपनी को बड़ा करने के लिए सिर्फ लीडरशिप ही चाहिए होती है। लीडरशिप केवल आपके अंदर नहीं है, इस हिंदुस्तान के अंदर लीडरशिप हर किसी के अंदर है मेरे यारों। आज पर लेकिन वो जो कहानी थी ना कि 500 लाभ 500 लाभ, पंजाब वाली कहानी थी, 500 लाभ 500 लाभ 500 लाभ 500 लाभ। अब पर लेकिन आम आदमियों ने आकर ना इतिहास लिख दिया। आम आदमी ने आकर अपने हौसले के दम पर, अपनी लीडरशिप के दम पर, अपने सिस्टम के दम पर, अपनी चीजों के दम पर सरकार बनाकर दिखा दी, हिंदुस्तान को दिखा दिया। और वही हाल है आज हैप्पी हेल्थ इंडिया का। इस 7 साल से हैप्पी हेल्थ इंडिया मार्केट के अंदर लगातार प्लान दिखाने के लिए, हमारी लीडरशिप लगातार प्लान दिखा रही थी, लोग मजाक कर रहे थे कि ऐसा हो नहीं गा, ऐसा होने वाला नहीं है, बड़ी कंपनी के लोग नहीं आएंगे। आज जब 7 साल के अंदर हमने लोगों की मर्जी के प्रोडक्ट दिए, लोगों को वो प्रोडक्ट दिए जो लोगों नीड के प्रोडक्ट है, लोगों के घर गोदाम नहीं बनाए, लोगों को वो प्रोडक्ट दिए, आज की डेट में हैप्पी हेल्थ इंडिया का प्लान अपडेटेड प्लान है, जानी जी 2022 का अपडेटेड प्लान है, जो हिंदुस्तान के आम आदमी की जरूरत है। हम दो, हमारे दो, बाकी सारे डाउन में आने दो। जानी कि जनरेशन प्लान के अंदर मैं ओपनली डिबेट करने के लिए तैयार हूं मेरे यारों। अगर किसी आदमी को ये लगे कि यार ये 2 लेग का प्लान कैसे काम करेगा, जनरेशन प्लान है, प्योरली जनरेशन प्लान है, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड प्लान है, चाहे आप तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, दसवां स्पॉन्सर भी करो, पर लेकिन 10 स्पॉन्सर में पैसा भी आएगा और आपको 2 स्पॉन्सर में पैसा भी आएगा, वो आपकी मर्जी है। आप 10 स्पॉन्सर के साथ पैसा लेना चाहते हो या आप 2 स्पॉन्सर के साथ पैसा लेना चाहते हो। आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस है, बहुत बड़े लेवल पर चीजें होने वाली हैं, बहुत बड़े लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। और मैं आप सब लोगों को बोलता हूं मेरे यारों, आज की डेट में बोलो मत, बस फील्ड के अंदर निकल जाओ। पवन अरोड़ा ने जवाब ना लोगों की बातों का नहीं दिया, लोगों को बिजनेस करके जवाब दिया है मेरे यारों। और आज हमें मौका है पंजाब के अंदर बड़ा बिजनेस करने का, साउथ के अंदर बड़ा बिजनेस करने का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैप्पी हेल्थ इंडिया को लेकर जाने का। और हम आप सब लोगों के साथ हैं, गोवा के अंदर हम सब लोग मिलजुल कर बड़ा धमाल करने वाले हैं, बड़ा कमाल करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपके सामने लॉन्च होने वाली हैं। अभी तो तैयारी हुई है मेरे यारों, अभी तो मैं आपको सच बता रहा हूं, अभी तो सिर्फ तैयारी हुई है। हैप्पी हेल्थ इंडिया बहुत बड़े लेवल पे, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत बड़े लेवल पर हम लोगों ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली है। HHI को हिंदुस्तान के हर घर तक पहुंचाना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छी कंपनियां कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो अच्छी कंपनियों में हैं, अच्छी लीडरशिप के साथ हैं, मेरे 8-8, 10-10 साल, 15-15 साल पुराने लोग हैं, जिनके मेरे साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, पर लेकिन कभी हमने एक दूसरे को डिबेट नहीं किया। मैं तो हैरान हूं आपकी लीडरशिप के ऊपर, यार आप लोग कौन सी बातें करते हो, यार कौन सी चीजें करते हो, मेरे को तो समझ में नहीं आती। कल परसों 2-4-5 दिन में मैं देख
रहा हूं यार, क्या आपकी लीडरशिप निकल कर आ रही है, क्या आप दो मिनट में लाइव आ जाते हो, क्या बातें कर रहे हो आप लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता क्या कहानी है आपकी लीडरशिप की और बात आप हमें करते हो लीडरशिप सिखाने। अरे मेरे यारो, पवन उड़ा ने कलम पेन के साथ बिजनेस को बड़ा किया है, लोगों के घरों में जाकर बिजनेस को बड़ा किया है, लोगों के पास होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम, सिस्टम, चीजें वन बाय वन, महीने में 28 दिन घर से जाकर बाहर बिजनेस किया है मेरे यारो, तब जाके आज हैप्पी हेल्थ इंडिया ब्रांड खड़ा हुआ है, ब्रांड बनाया आज हैप्पी हेल्थ ने मेरे यारो। अब बारी आ गई यार मेरे होम टाउन की, मैं क्या करूं, मेरे होम टाउन की बारी आ गई है, आनी थी आज नहीं आनी थी, कल आनी थी। अब हैप्पी हेल्थ इंडिया मेरे लिए, मेरा पंजाब का मैं रहने वाला हूं, लुधियाना का मैं रहने वाला हूं, पंजाब में अब बिजनेस हैप्पी हेल्थ इंडिया का डंके की चोट पर होगा, क्योंकि मेरा अपना होम टाउन है, किसी का अपना होम टाउन नहीं, मेरे घर की इज्जत का सवाल है। तो पंजाब को अब बड़ा बिजनेस करना ही करना है, ये तो तय है, ये तो तय है, क्योंकि ये मेरी अब इज्जत का सवाल है कि मुझे पंजाब के अंदर बड़ा बिजनेस करना है। आज लुधियाना हो, जलंधर हो, अमृतसर हो, बहुत जल्दी फिरोजपुर, बहुत जल्दी पठानकोट, बहुत जल्दी हम कल परसों में गुरदासपुर में बड़ी शॉप की ओपनिंग करने जा रहे हैं, गुरदासपुर के अंदर बड़ा शॉप की ओपनिंग करने जा रहे हैं, और इसी चार महीने के अंदर अंदर पंजाब के अंदर 150 से ज्यादा स्टोर, लिख लो इस बात को। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे यारो, अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में दम होगा वो जलता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, पंजाब के अंदर अपन आ चुके हुए हैं और अपनी इज्जत का सवाल है अब पंजाब में, क्योंकि पंजाब के अंदर बड़ा बिजनेस करना है, क्योंकि मैं रहने वाला पंजाब का हूं, पूरे हिंदुस्तान में तो बिजनेस करना ही करना है, पर लेकिन अब अपने होम टाउन में भी बिजनेस को और मजबूत करना है। और अभी 150 से ज्यादा फ्रेंचाइजियों का टारगेट ले चुका हुआ हूं, ये अगले सिर्फ और सिर्फ चार महीने के अंदर 5-5 लाख रुपए वाली, यानी कि जिसको हम डिस्ट्रिक्ट शॉपी बोलते हैं, वो हिंदुस्तान के पंजाब के हर कोने कोने में आपको शॉपियां मिलेंगी, सिस्टम मिलेगा, चीजें मिलेंगी, बहुत बड़े लेवल की तैयारी के साथ हैं। जो हमारे साथ हैं वो हमारे हैं। मैं फिर आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी किसी का नौकर नहीं होता, कोई किसी का मालिक नहीं होता, कोई किसी का बॉस नहीं होता, कोई किसी को सैलरी नहीं देता। नेटवर्क मार्केटिंग में हर आदमी को हक है हमसे बड़ा जाने का। मैं आज भी बोलता हूं, अगर हैप्पी हेल्थ इंडिया से अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, हैप्पी हेल्थ इंडिया से अच्छी लीडरशिप आपको मिलती है, हैप्पी हेल्थ इंडिया से अच्छे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं और आपका भविष्य बनता हो, तो पवन उड़ा कभी जिंदगी में आपको रोकेगा नहीं जाने के लिए। और आज तक पवन उड़ा का रिकॉर्ड है, पिछले 20 साल में जो भी लड़के मुझे छोड़कर गए हैं वो वापिस आए हैं, पर लेकिन जब छोड़कर गए हैं तो पवन उड़ा ने कभी जिंदगी में ये नहीं कहा ये गद्दार थे, ये वो थे। मुझे हैरानगी होती है आपकी लीडरशिप के ऊपर यार, आप क्या बोल रहे हो लोगों के बारे में यार, जिन लोगों के दम पर आप खड़े हुए थे, जिन लोगों के दम पर आप लोगों ने बिजनेस खड़ा किया था। आज ठीक है, हर आदमी को मौका है यार अपने आप को बड़ा करने का। अब किसी टाइम में जमाना सचिन तेंदुलकर का था, तो आज विराट कोहली का है, कल विराट कोहली के बाद कोई दूसरा आएगा, ये तो कहानी है, चलती रहेगी, पर लेकिन इसमें रिलेशन थोड़ा खराब करेंगे। कभी जमाना कपिल शर्मा का था, कपिल देव का था, कभी सुनील गावस्कर का था, तो ये तो मार्केट के अंदर जो अपने आप को प्रूफ करेगा, जो सिस्टम को प्रूफ करेगा, चीजों को प्रूफ करेगा, वो आएगा ही आएगा। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, परसों नहीं आएगा तो चौथा आएगा। आज हम हैं, कल कोई और होगा, ये तो कहानी है, पर लेकिन हम रिलेशन खराब कर लें, ये कहां की बात है? इसमें कौन सी लीडरशिप आप बोलते हो यार? पीठ के पीछे आप क्या बोलते हो, फ्रंट के ऊपर आप क्या बोलते हो, पर लेकिन पवन उड़ा की लीडरशिप हमेशा एक ही चीज कहती है, मैं फ्रंट पे भी वही बोलता हूं और पीठ के पीछे भी वही बोलता हूं। मेरे यारो, आज हैप्पी हेल्थ इंडिया को दिन रात एक कर बड़ा किया है, बातों से बड़ा नहीं किया, अपने घर पर बैठकर बड़ा नहीं किया भी, आज अपने घर पर बैठकर बिजनेस को बड़ा नहीं किया, महीने में 28 दिन घर से बाहर जाकर बिजनेस को बड़ा किया है। आज हैप्पी हेल्थ इंडिया 7 साल का बच्चा हो चुका हुआ है, आज हैप्पी हेल्थ इंडिया हर उस दौर से गुजर रही है जिस दौर से लोग कहते थे अब नहीं निकल पाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे, अब नहीं हो पाएगा, अब सिस्टम बन नहीं पाएगा, चीजें बन नहीं पाएंगी। मैं यारो बोल रहा हूं, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां बहुत बड़े लेवल पे जाएंगी, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, बहुत सारी कंपनियां बहुत बड़े लेवल पर जाएंगी, कल को आने वाली कंपनियां भी बड़े लेवल पर जाएंगी, जो लोगों की नीड का प्रोडक्ट लोगों को दे पाएंगी, जो लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट लोगों को दे पाएंगी। मार्केट अलग अलग तरह की है, किसी को FMCG प्रोडक्ट चाहिए तो किसी को वेलनेस के प्रोडक्ट चाहिए तो किसी को कॉस्मेटिक चाहिए, तो कोई हर आदमी के पास अपनी अपनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, हर आदमी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी टीम को आगे बढ़ाता है, पर लेकिन एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ने से कुछ भी होने वाला नहीं है। और हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर तो मैं आपको बता दूं, डंके की चोट पर आपको बात कर रहा हूं, पंजाब
पंजाब के अंदर अभी जो बिजनेस 7 साल बाद शुरू हुआ है, पर लेकिन पंजाब के अंदर जो बिजनेस अब डंके की चोट पर बड़ा होगा और बहुत बड़ा होगा। सब लोगों का साथ, सब लोगों का प्यार और सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जो जो लोग बोलते हैं मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा, मेरे यारों आप अपना काम करो, हमारी लीडरशिप को अपना काम करने दो। जिनको हैप्पी हेल्थ इंडिया अच्छी नहीं लगेगी वो आपके पास वापिस आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमें कोई कहानी नहीं है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और पवन अरोड़ा को एक ही काम करना आता है, सिर्फ काम करना आता है। दिन रात मेहनत करनी आती है, दिन रात मेहनत करके रात के 2-2 बजे तक जागना आता है, 24-24 घंटे ड्राइव करना आता है, लोगों के दिलों में उतरना आता है। 0 लेवल से कंपनी को स्टार्ट किया है मेरे यारों, कोई ब्रांड नहीं था, कोई ब्रांड नहीं था, किसी ब्रांड का सहारा लेकर हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, अपने हौसले के दम पर और उस परमपिता परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं, उसका आशीर्वाद था उस परमपिता परमात्मा का हमारे ऊपर। हम लोगों ने बिजनेस करना शुरू किया, सिस्टम करना शुरू किया, चीजें करनी शुरू करी और बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे अगले 4 महीने में। लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, अगले 4 महीने में हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर एक तरफा मैच होने वाला, मैं आपको बता दूं। हैप्पी हेल्थ इंडिया प्रोडक्ट वाइज 1 जाने वाली है, बहुत शानदार प्रोडक्ट की रेंज आने वाली, पैकिंग वाइज बहुत शानदार होने, लिटरेचर वाइज बहुत शानदार, बहुत शानदार नॉलेज, बहुत शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत शानदार प्रोडक्ट की नॉलेज, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं एंटायर हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जैसे कि आपको पता है परसों हमारी एनिवर्सरी है साउथ के अंदर, फिर हमारी एनिवर्सरी है भुवनेश्वर के अंदर, फिर हमारी एनिवर्सरी है कलकत्ता के अंदर, यानी कि बहुत शानदार प्रोग्राम, और अभी पूरे इंडिया के अंदर बहुत शानदार लीडरशिप के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी लीडरशिप हमारे साथ आ चुकी हुई है, बाउंस बैक किया हमने बहुत बड़े लेवल पर, और अगले 4 महीने में बहुत बड़ा माहौल अब हैप्पी हेल्थ इंडिया का बनने वाला है। तैयारी कर लीजिए। मैं जितने भी लोग मेरे हैं पंजाब के हैं या एंटायर हैं, जो जितने भी नई लीडरशिप आई है, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं कि घुस जाइए मार्केट के अंदर, बिजनेस बहुत है, नई जनता बहुत है, हिंदुस्तान के आम आदमी के प्रोडक्ट है हमारे पास, हिंदुस्तान की आम ताकत है हमारे पास, और हम सब लोग मिलजुल कर बहुत बड़ा करेंगे और बहुत बड़ा करने वाले हैं अगले 4 महीने के अंदर अंदर। मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग हैप्पी हेल्थ इंडिया को जानते नहीं है, एक बार जान लो, एक बार समझ लो, एक बार पहचान लो, एक बार प्रोडक्टों को देख लो। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये हिंदुस्तान की दूसरी क्रांति है, ये हिंदुस्तान की आर्थिक क्रांति है, जहां पर आम से आम आदमी बड़े लेवल पर जाएगा, जहां से आम आदमी पैसा कमाएगा, जहां से आम आदमी के सपने पूरे होंगे। मेरे यारो, ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान रेट, वेट एंड क्वालिटी, तीन ही चीजों पे काम करता है, रेट पे, वेट पे एंड क्वालिटी पे। हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो रेट भी दे रही है, दूसरी प्रोडक्ट का वेट भी दे रही है, और तीसरा प्रोडक्ट का क्वालिटी भी दे रही है, यानी कि रेट भी, वेट भी एंड क्वालिटी भी। और हिंदुस्तान के लोगों को घरों घरों में जाकर जब बिजनेस 0 लेवल पे स्टार्ट होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप सीधा आइए शॉपी पे आइए, 100-200-500 रुपए का प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो 2500 रुपए का प्रोडक्ट लीजिए, कंपनी 300 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री देती है। 4 महीने के अंदर आप कंपनी के अगर लगातार कस्टमर बन जाते हैं तो 1000 रुपए का प्रोडक्ट फिर कंपनी की तरफ से आपको गिफ्ट में मिलता है। और यही बात आपने अपने लोगों को समझानी है, हिंदुस्तान के अंदर एक क्रांति अब रुकने वाली नहीं है। तुम कितना भी बोल लो, कितना भी कह लो, कितनी भी चिल्ला लो, कितना भी शोर मचा लो, अब ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। गोवा के अंदर दिखा देंगे यार, बहुत चंद कंपनियां हैं जो 1000 से ज्यादा लोगों को गोवा लेकर जा रही है। मेरे यारो, 3-4-5 तारीख को हम लोग गोवा में हैं, उसके बाद हम बहुत सारी चीजें अनाउंसमेंट करने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला, मैं आपको बता दूं। अगले 4 महीने के अंदर अंदर हैप्पी हेल्थ इंडिया बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है। मैं पंजाब में हूं, पंजाब का हूं, लुधियाना का रहने वाला हूं, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में पिछले 20 साल से हूं, मैं फिर आपको बता रहा हूं, बच्चा नहीं हूं। अगर आप डिबेट करना चाहते हो ना, तो यार ये मेरे सामने कर लो, मैं आता हूं आपके घर पे, मैं आता हूं आपके घर पे, मेरे साथ डिबेट कर लो, मेरे को सारी कहानियां पता है, बच्चा नहीं हो, पिछले 20 साल से इंडस्ट्री के अंदर हूं। अब अगर आपने बिना बात के कोई भी बात करी तो मेरे यारों, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, फिर ना आप डिबेट करना सबके सामने, फिर बैठकर बात नहीं करेंगे, फिर लाइव बात करनी हो ना, फिर सबके सामने करना, फिर दिखाते हैं हम आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर लीडरशिप किसको बोलते हैं, चीजें किसको बोलते हैं, कहानी किसको बोलते हैं, और बिजनेस क्या है, चीजें क्या है, ये मेरे यारो हम लोगों ने 0 से सीखी है, और 20 साल से इंडस्ट्री के अंदर हूं। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगता हूं, पर लेकिन मेरे यारों, आज हैप्पी हेल्थ इंडिया एक क्रांति है, आज हैप्पी हेल्थ इंडिया उस मुकाम पर आ चुकी हुई है जहां पे लोगों को दिखना शुरू हो गया है। पहले इटरनल ग्रोथ हो रही थी, अब अपर की ग्रोथ हो रही है, अब बाहर पौधा बड़ा हो चुका हुआ है, अब फल देने स्टार्ट कर रहे हैं, अब लोग आ रहे हैं, और बहुत बड़ा माहौल पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनता चला जा रहा है। इन्हीं बातों के साथ, मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगता हूं,
पर, लेकिन एक चीज ये है, ये ना पूछो कि यारो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर यूं ही, मैंने किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।